नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में आज 22 फरवरी 2021 को भगवानपुर बाजार स्थित एक दुकान शर्मा प्लाय एंड टूल्स के उद्घाटन समारोह में मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष एवं सोशल आइकॉन बिहार 2021 अवार्ड से सम्मानित श्री किशले किशोर के वहाँ पहुँचते हैं। उद्घाटन से पहले उन्हें तिलक लगाते हुए स्वस्ति वाचन किया गया, जिसके बाद श्री किशोर द्वारा फीता काटकर दुकान का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण किशोर ने वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान मीडिया कर्मियों के सवाल, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भगवानपुर प्रखंड स्थित उपेक्षित आयुर्वेद अस्पताल के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, इसके जवाब में श्री किशोर ने पत्रकारों को बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि वर्तमान विधायक, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, सिविल सर्जन इत्यादि संबंधित पदाधिकारियों से बात करके जल्द ही इस आयुर्वेद अस्पताल का पुनः शुभारंभ करवाया जाएगा, ताकि क्षेत्र की जनता को आयुर्वेद के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। आगे सुनते हैं और क्या कहा किसले किशोर ने उद्घाटन के दौरान। वैशाली जिला ब्यूरो संवाददाता प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ कमलेश किशोर की रिपोर्ट। करना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी लाइलाज जो बीमारी है उसका इलाज जितना बेहतर तरीके से हमारे देसी चिकित्सा पद्धति में है। भगवानपुर में जो आपने आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात कही है, निश्चित तौर पे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम लोग उनको और जरूर उनको आकृष्ट कराएंगे कि जो उदासीनता की जो मार झेल रहा है हमारा ये आयुर्वेद अस्पताल, उसको आप दुरुस्त करिए। और सिविल सर्जन से लेकर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी तक अगर ज्ञापन देने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे हम और हमारा संगठन आगे बढ़कर इसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय तो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। हमारे प्रखंड क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की ये एक बड़ी समस्या दूर होगी, इसलिए निश्चित तौर पे आपने बढ़िया मुद्दा के ध्यान आकृष्ट कराया है, मेरे लिए एक बढ़िया विषय है और हम जरूर इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से संचालित होता है आयुर्वेद और सर 95 से एक खंडहर नुमा बन के रह गया है सिर्फ वो मकान, जहाँ की डॉक्टर पोस्टेड होते हुए भी नहीं रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहे तो उदासीनता की मार झेल रहा है, जो पूरा आयुष का जो मंत्रालय है ये, यही उदासीनता की मार झेल रहा है। और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों को वो मंत्रालय मिला है जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन खैर जो लोग भी हैं हमको उन्हीं लोगों से काम निकलवाना है। हम लोग प्रयास करेंगे और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अभी काफी सक्रिय हैं, माननीय विधायक महोदय से भी हम लोग मिलकर आग्रह करेंगे कि इस ओर जरूर आप उचित कार्रवाई कीजिए।